greenest village in Asia. This is the reception lolle. For three. Meghalaya is one of the cleanest state of India. अभी यहाँ से सीधा हमें जाना पड़ेगा कुछ एक किलोमीटर और हमें मिल जाएगी एशियास क्लीनेस्ट विलेज. ऑलमोस्ट वी आर इन एशियास क्लीनेस्ट विलेज माओलिन नोंग. हियर इज द मेन गेट एंड यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है माओलिन नोंग का 1.30 किलोमीटर. एक किलोमीटर ही पकड़ के चलो. यस वी हैव टू पे सम अमाउंट. दिस इज द रिसेप्शन एरिया एक्चुअली. वेलकम टू माओलिन नोंग गॉड्स ओन गार्डन क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया. किमान लोले पर बोट पर पर्सन. सॉरी अच्छा 4,100. इन लोगों ने तीनों को मिला के यंत्रन मेरे को और मेरी वाइफ हम तीनों का लिया 100. एंड हियर इज द पार्किंग और उसी में साइड पार्किंग चार्ज भी इंक्लूडेड है. सी यहाँ पे दो पार्किंग है. Doofy doof. So we have to park our bike here only. Here I am in the parking area of Asia's cleanest village. और अगर कुछ traditional item लेना है यहाँ की तो इस market से ले सकते हैं. ये market जो है parking area में ही आपको मिल जाएगी. And I'm going to enter this village right now. This is the entry. Welcome to Maoling Nong, God's own garden, cleanest village in Asia. No doubt, कोई भी अगर इस गांव में घुसेगा तो उसको वो भाई भाई जाएगा कि ये बहुत क्लीन विलेज है. एंड सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज वो भी हमारे इंडिया में और उससे बड़ी बात है वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में. तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ शायद एक्टिविटी होते होंगे और यहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल बिल्कुल अलाउ नहीं है. एक स्काई व्यू पॉइंट है दिस साइड. सो यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे स्काई व्यू पॉइंट देखने के लिए. क्लीनिंग और यहाँ पे आगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एंड हो गया. कुछ है नहीं बट कुछ ना कुछ तो हो गए. जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्काई व्यू पॉइंट है तो हाँ यहाँ पे है ना. इधर है इधर तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्काई व्यू पॉइंट. तो दिस इज़ द रोड. यहाँ से हमें जाना है स्काई व्यू पॉइंट के लिए. कोशिश करते हैं जाने के लिए और देख के आते हैं स्काई व्यू पॉइंट. बाकी फ़िलहाल यहाँ के बाद हमें जाना है डाउकी. डाउकी रिवर पॉइंट भी हमें जाके देखना है और उसके बाद डाउकी से हमें वापस भी आना है. तो ये एक एक्टिविटी है और प्लस इसको हम एक क्रिएटिविटी बोल सकते हैं. ये एक पेड़ है. पेड़ पे ना बैम्बू का एक ट्रैक बना दिया गया है. उसी से आपको ऊपर जाना है और ऊपर से आपको कुछ ना कुछ दिखेगा. तो वहाँ से स्काई देख लो. यहाँ से देखना हमारे लिए वहाँ से देखना एक ही बात है और उसका आपको देना पड़ेगा 10 रुपीस. तो ये एक एक्टिविटी के साथ साथ एक क्रिएटिविटी भी है गांव वालों की. बट यहाँ पे ना गर्मी बहुत है. पहले मेघालय में इतना गर्मी था नहीं. हम पसीने पसीने हो चुके हैं. चलो इस साइड पे अभी. ओ यहाँ एक सिटिंग पॉइंट भी है. हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं. ओके यहाँ पे हमें एक चाइल्ड मिला. हाय
What's your name? Naomi. You are selling pakora? तो यहाँ पे हमें एक बच्ची मिली और जो पकोड़ा बेच रही है, मतलब इसने अभी एक प्लेट पकोड़ा बेचा है, एक प्लेट में चार पकोड़ा है और एक प्लेट का 20 रुपीस। सो हम लोग थोड़ा सा खा के देखते हैं, बाकी शी इज़ वेरी क्यूट। और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हिंदी लोगों को कम समझ में आती है, बस वो ना लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे, और लोकल लैंग्वेज में हम लोगों ने पीएचडी करके रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है बोलते नहीं है। मॉम, योर मॉम मेड दिस? हाँ, पकौड़ा खाया हमने, ठीक ठाक है, बाकी और खाने का मन नहीं है। अभी यहाँ पे एक चक्कर लगाते हैं गांव की और उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से, डाव की साइड हम लोग जाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। बाय बाय। तो इस साइड से आया हम लोग स्काई व्यू पॉइंट, वहाँ पे खास कुछ नहीं है, बट देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है, खाने को क्या क्या मिलता है। ये बच्ची ने हम लोगों को पकौड़ा खिला दिया। यहाँ पे एक लोकल दुकान है और यहाँ पे हमें जूस मिल जाएगी, पाइनएप्पल जूस। आंटी जूस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं था। दिस इज मेड फ्रॉम बैम्बू, इट इज मेड बाय यू और यू बाइंग? बाइंग फ्रॉम शिलोंग। ओके, देन वी विल गेट दिस फ्रॉम शिलोंग। ओके, व्हाट इज एग्जैक्ट लोकल थिंग्स यू आर सेलिंग हियर? रॉ लोकल थिंग्स? Is there any local things like you were selling from your village? Huh, local things from this village only, no? This is made by you? From bamboo. Yeah. Made by you or what? No. It is also buying product. From where? Dusra village. Yes. Yeah, 100 each. But this is not for us, no? What will do with this? Okay. How many family are staying here? 120. Quite small. Big, not so small. Huh? Small village. Small village. Okay. 120. 120 number of people. Oh, not number of people. Now 120 houses. 120 family members. Population. I think 600 above. 600 above. Very beautiful village. Thank you. Welcome. So यहाँ पे local, अगर हम लोग रॉ कुछ सामान ढूंढते हैं ना इस गांव में, ऐसे हमें लोकल देखने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मैंने ये आंटी से मिला अभी, उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि जो भी सामान उनके दुकान पे है सारा सामान खरीदा हुआ है। बाद बाकी गांव का जो सीनिक ब्यूटी है काफ़ी सुंदर है, और एक्चुअली जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी क्लीन और वेरी डिसिप्लिन। और यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे मिल जाते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत पैनिक थे इससे पहले होमस्टे लेने के लिए, तो हमें जो होमस्टे में हम लोग थे कल, उसी होमस्टे को हमने कंफर्म किया आज के लिए भी। बाद बाकी होमस्टे का भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा होमस्टे मेघालय में सही है। ऐसा तो होमस्टे बहुत सारे मिल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमें यहाँ पर ही लंच करके निकलना चाहिए। डाउ की जाएँगे अभी, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे बैठ के अपना जो भी है खाना पीना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। ये मेनू, यहाँ पे एक स्कूल भी है। ऐसे तो नहीं होता है। ये है विलेज, हम लोगों ने बहुत घूम लिया इधर उधर। विलेज मतलब पहाड़ी एरिया का एक नॉर्मल सी प्लेस है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक। और बाकी यहाँ के जितने सारे लोग हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, और क्लीनिंग के मामले में जगह जगह पे आप लोगों को इस तरह के डस्टबिन वगैरह दिखाई देगा, और बैठने बैठने के लिए भी इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे चेयर्स वगैरह यहाँ पे बना के रखा हुआ है, मेड फ्रॉम बैम्बो। एंड बस
यही है विलेज, पूरा गांव ऐसा ही रहेगा। तो अभी यहां से निकलते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू रीच डाउकी रिवर पॉइंट, तो वहां जाते हैं और डाउकी रिवर में हम लोग बोटिंग वोटिंग करेंगे। तो डाउकी रिवर दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। Right now I am at Meghalaya and this place is called